भाई इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका कर्टेसिस, इससे पहले जो आपने तीन चीज़ें डिस्कस की है उसको रिलेट करते हुए पढ़िए कि जो आपका डिस्पर्जन है उसने बताया कंपोजिशन अमाउंट, सिमेट्रिक उसने स्क्यूनेस ने लैक ऑफ सिमेट्रिकल लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट्स ने फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका जो बताएगा ये या तो बताएगा फ्लैटनेस या आपकी पीकरनेस, किसमें फ्रिक्वेंसी कर्व को है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके हम कर्व पे बताएंगे कि भाई ये आपका पीकरनेस है या आपकी फ्लैटनेस है। इसको ना इन कंसेप्ट को समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है आप समझना, आप ऐसे ही बताना आपको क्या लगता है। मैं आपको ना तीन शहर दे रहा हूँ आपने मैच करने के, यहाँ पर ये इसे मैच करेंगे यार कोई ऐसे, मैं कहता हूँ एक तो ये तीनों को मैच करना है, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या है वो जो एक पर्टिकुलर सिटी है वहाँ पर ज़्यादा लोग है यानी मीन के आसपास है, या महाराष्ट्र में बात करो तो मुंबई में ज़्यादा लोग रहते हैं पॉपुलेशन, तो ये तो आपका सीधा मैच कर रहा है कि भाई ये आपका मान लो मुंबई है तो इसके आसपास ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इसी एरिया में, बाकी कहीं नहीं है। मैं कहता हूँ हरियाणा, तो हरियाणा में आपको ऐसा कोई एरिया नहीं लगेगा जहाँ पर लोग मतलब नहीं है, इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, चाहे आप रोहतक में रह रहे हो चाहे रेवाड़ी में रह रहे हो चाहे गुरुग्राम में, थोड़ी सी आपको लगेगा कि प्रेशर सा है गुरुग्राम फरीदाबाद, बाकी ओवरऑल आप कहोगे कि हाँ भाई ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका हरियाणा। अब राजस्थान का देखो, मैंने राजस्थान का क्या कहा, राजस्थान में ऐसे होते हैं कि वहाँ ढाणी बोलते हैं गाँवों को, गाँव में खेतों में घर बना के रहते हैं वहाँ पे, और वो जैसे एक घर यहाँ पे एक थोड़ी दूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रॉपर है कुछ सिटी को छोड़ दिया जाए तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जगह बहुत ज़्यादा है और बिखरे हुए पॉपुलेशन है, तो वो क्या होगी आपकी ये वाली चीज़ राजस्थान। इतना समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके तीन डिस्ट्रीब्यूशन बनते, तीन से बनती है लेप्टोकोटिक, मेसोकोटिक और आपके प्लेटिकोटिक। लेप्टोकोटिक का मतलब क्या होता है, पीक हाई होती है, जैसे ये आपके पास क्या है पीक हाई है, पीक हाई का मतलब ये है कि सारी वैल्यू मीन के आसपास होती है, पीक तभी हाई होगा जब आपकी सारी वैल्यू मीन के आसपास होती है, ठीक है। जैसे आपके पास ये देखो कि आपने ये देखे ना गाय ये देखी होगी ना गाय वाय, आपने एक देखा होगा कि अगर जगह अच्छी है तो आप काफ़ी दूर तक फैली होती है, वो उन्हीं को ट्रक में भी भर के लेके जाते हैं, अगर देखा हो आपने इनको बकरी होगा इनको, तो वो ऊपर नीचे चढ़ी हुई होती है, तो वो ये वाली चीज़ होती है कि भाई आप ऐसे बनेगा शेप, ठीक है, मतलब मीन के आसपास ही वैल्यू रहेगी, आई बात समझ में। और दूसरा क्या बनेगा, जैसे कि सब कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो क्या होगा कि भाई मेसोकोटिक बनेगा, और प्लेटिक मतलब फ्लैटनेस पता ही नहीं था बिल्कुल कहाँ कहाँ पड़ा है पता ही नहीं लग रहा, तो क्या होगी आपकी प्लेटिकोटिक। आगे समझ में, ठीक है। एक तो लेप्टोकोटिक में क्या होगा, जिसकी हाई पीक होगी, अदर से हाई पीक। अभी देखो आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये मैं जब मैं पहले दो कोविड से पहले पढ़ा रहा था तब बताता था मैं, अब फिर देखो आपको याद आ गई मैं फिर से बताऊंगा। हाई पीक मतलब लेप्टोकोटिक, प्लेटिकोटिक में फ्लैटनेस होगी पूरी की पूरी प्लेटिकोटिक में, ठीक है। और इसका मतलब देखो, उसका मतलब ये है कि उनकी ना जो कंसंट्रेशन है सबकी वो एक पर्टिकुलर मतलब सेंटर की तरफ होगी, तो वो लेप्टोकोटिक होगी। सेंटर को आप इग्नोर करके चल रहे हो तो होगी आपकी प्लेटिकोटिक, लेस कंसंट्रेशन ऑफ दी आइटम्स, मतलब सेंटर के आसपास नहीं होगा। और मेसोकोटिक क्या होगा, इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपके पास, ठीक है, आइटम्स अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू से इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। आगे समझ में क्लियर हो गया। हाँ यहाँ देख लो आप, यहाँ पर देखिए प्लेटी और यहाँ पर लेप्टो दो लिख रखे हैं, और ये नीचे आपका मेसोकोटिक भी रहा। प्लेटी में ना फ्लैटनेस ज्यादा है भाई, बिखरी हुई है चीजें, मीन देखो मीन ये है यहाँ तक, यहाँ इतने एरिया में चली गई,
इसमें क्या है, मेसोकोटिक में सब कुछ नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, और लेप्टोकोटिक में मीन के आसपास ज्यादा वैल्यू है। देखो यहां पर तो मोस्टली वैल्यू यहां तक आ गई, ठीक है, और यहां पर वैल्यू इक्वल सी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है आपको। और जो प्लेटिकोटिक है इसको थोड़ा और फ्लैट कर लेता हूँ, अगर आप कहो तो ये लो और फ्लैट कर लो इसको, और जितना फ्लैट करना चाहो अब तो ठीक है, अब बिल्कुल फ्लैट सा लग रहा है आपको, आराम से जा सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। तो ये तीन होते हैं। अब देखो जब मैं पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखो कंपेयर करने का तरीका, जो क्रोटोसिस निकालना है तो बीटा टू से आपने मेजर किया था, थ्री से कंपेयर कर रहे हो ना, तो ऐसे करो बीटा टू अगर थ्री से ज्यादा है तो कहेंगे लेप्टोकोटिक, और थ्री से कम आ गया तो उसको कहेंगे प्लेटिकोटिक, और थ्री के इक्वल आ गया तो मेसोकोटिक। लेकिन आप एक और चीज कर सकते हो कि बीटा टू में से थ्री को माइनस कर लो, फिर आप जीरो से कंपेयर कर लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ जाएगा, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल आसान सा था, लेप्टोकोटिक मेसोकोटिक और प्लेटिकोटिक आराम से आप निकाल सकते हो। मूवमेंट से निकालना है तो कौन कौन से मूवमेंट से निकलेगा, सेकेंड और फोर्थ से, स्क्यूनेस किससे निकलेगा और थर्ड से, बस ये पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आते, ठीक है। अब देखो